जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो दहशतगर्दों की जानिब से अभी जो हालिया कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये एक उनकी तरफ से एक नाकाम कोशिश की जा रही है, उनकी जानिब से एक इनिशिएटिव है दहशतगर्दों की जानिब से कि आएँ भाई हमसे मुज़ाकरात करें, और चीफ साहब ने नो कर दिया उसको। आप समझते हैं कि ऐसे में हालिया दहशतगर्दी में कोई जो लहर एक चली है उस पर काबू पाया जा सकेगा, और क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात जो है, क्योंकि बात मुज़ाकरात की है चीफ ने, तो ये आप देखिए कि इन लोगों के साथ, इन दहशतगर्दों के साथ, TTP के साथ, इनके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनके साथ पिछले 20 सालों में कम से कम 15-16 बड़े मुज़ाकरात और एग्रीमेंट हुए हैं, और तमाम के तमाम जो हैं वो ख़त्म हो गए वायलेशंस पे, और उन तमाम के ख़त्म होने के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती थी। और आखिरी आपने देख भी लिया है क्या उसका हुआ, जो पिछला मुज़ाकरात किए गए 1.5-2 साल पहले। तो मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब ने बात बहुत क्लैरिटी से कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस मौके पे। तीन बातें उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी हैं। नंबर वन तो उन्होंने ये कह दिया कि आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनका TTP की हैसियत भी बता दी, हैयत भी बता दी कि ये कौन लोग हैं, ये खारिज हैं, इनका जो आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं वो सब ढकोसला है, और ये दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में बैठ के हमारे पे हमले कर रहे हैं, जिन जानों का जिक्र आप कर रहे हैं वो उसका जिम्मेदार ये है। दूसरा उन्होंने ये बात कर दी, चूँकि अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट मौजूद है अफगान तालिबान की, और आपने देखा कि यूरोप में और जो बाद में बाजौड़ में हमले हुए उसके बाद भी चीफ ने इस बात का कहा था कि अफगान बाशिंदे उसमें शामिल हैं, अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट पैगाम दिया था कि आप इनको रोकें। तो इसलिए बात करनी है तो अफगान तालिबान गवर्नमेंट से करनी है। और तीसरी सबसे अहम बात जो है, उन्होंने इस बात को पहली दफ़ा जरगे में बैठ के अवाम को ऑन बोर्ड ले के ये बात की है कि ये कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं, इनके अहदाफ क्या हैं और इनको हमने ट्रीट कैसे करना है। लिहाजा जो क्लैरिटी कभी नहीं आई थी 20 साल में, तभी गुट जैसे खुद आप फरमा रहे हैं गुट तालिबान बैड तालिबान, अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 15-16 एग्रीमेंट्स आपने किए हैं, लोगों को मालूम नहीं क्या हो रहा है। उनको तब पता चलता है जब धमाके हो जाते हैं, जब देयर इज अ न्यू स्ट्रीक ऑफ टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छी अप्रोच का मुजाहरा किया है, इससे बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी ना सिर्फ अवाम में बल्कि जो बाकी इस पे एक्शन लेने वाले इदारे हैं उनके लिए भी। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है नवीद इलाही साहब। बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले तो सर हमने देखा कि सानिहा APS से पहले हमारी पूरी जो सियासी क़यादत थी, इवन हमारी आवाम भी मुनकसिम नज़र आती थी कि ऑपरेशन किया जाए। फिर एक बहुत बड़ा हमारा सियासी तबका था वो ये कहता था कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, ये हमारे ही लोग हैं, बस कुछ बहला फुसला के उनको साइड पर लेके गया गया, भटक गए हैं, बुरे लोग हैं, जब आएंगे ठीक हो जाएंगे, वरना ऐसी कोई बात नहीं। अब ये जो कंसेंसस हुआ है, और सबसे अच्छी चीज़ जिसका आपने भी जिक्र किया कि अवाम को वहाँ के जो कबाइल हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, इसके बाद अब आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जो हमारा ऑपरेशन है वो मज़ीद मुस्तहकम होगा, मज़ीद तकवीत मिलेगी उसको। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसकी इन जो तीनों पैगाम उन्होंने दिए हैं उसमें सबसे अहम बात उनकी डिटर्मिनेशन है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे बात होगी। देखें ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका आप अगर बैकग्राउंड देखें तो ये जो अपने गोल्स चेंज करते रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज करते रहे हैं, ये जो शरीयत की बात कर रहे हैं ये बाद में आई है। पहले इनका था कि जी वो हम अमेरिकन यहाँ से निकल जाएं, फिर और उन्होंने अहदाफ बना लिए, तो ये चेंज करते रहते हैं सिर्फ अपने अहदाफ के लिए। तो उनसे जो इस तरह की बात करना ही जो है वो बेसूद। लेकिन नवीद इलाही साहब, हमारी माजी के अंदर सर पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रही है ज़ियाउल हक साहब के टाइम से लेकर बाद में। हमने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा मदद की इन्हीं लोगों को, हम खुलकर उनके बारे में बात करते रहे, उनके हक़ में बयानात देते रहे। फिर एक साबिक गवर्नमेंट थी KPK की, तो उसके चेयरमैन खुद कहते रहे कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं उसका खमियाजा हम सबको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी आइडियोलॉजी के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे, और मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हम डिवाइडेड रहे, और उसके बाद ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ा। बस उसमें एक
क्लैरिटी दे दी है चीफ ने, और वो मेरा ख्याल है जो उन्होंने बयान दिए थे प्राइम मिनिस्टर ने, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना फॉरेन पॉलिसी के, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर, उनसे ब्रीफिंग लिए बगैर कभी बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म होते हैं उनका बयान आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट में सबको नाराज़ कर लिया, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्टूपिडिटी थी। अब एक मैं जो बात करना चाहूँगा कि देखिए अभी सूरत हाल जो, क्यों उन्होंने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को स्टेट कहा है, अफगान तालिबान इसमें शामिल नज़र आए हैं, इस अफगान बाशिंदे इसमें शामिल नज़र आए हैं, TTP वहाँ बेस्ड है, और आप देखिए कि जो अलकायदा, तालिबान और TTP का ट्रायंगल है, इनको आप देखें कि अलकायदा के मेज़बान थे पहले अफगान तालिबान, जब वो एनाकोंडा ऑपरेशन किया अमेरिका ने, ये पाकिस्तान में आ गए ट्राइबल एरियाज में, जो TTP यहाँ से ही इनको जो अफराद और ग्रो उनको मदद कर रहे थे वो TTP बन गए, लिहाजा इनका नेक्सस है मौजूद वहाँ पे। तो अभी पहली दफ़ा इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली चीफ ने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है कि उसके मुताबिक एक्शन भी में ले रहे भी क्लैरिटी होगी। नवीद अली साहब, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये चीफ ने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं अफगान गवर्नमेंट के लिए, तो अब जब बात होने जा रही है अफगान गवर्नमेंट से, आपको लगता है कि अपोजिट साइड से भी उसी तरह का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए या आ सकता है? देखिए उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं हैबतुल्लाह अखुंदजादा, उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ हमले जो हैं वो हराम हैं, ये उनकी, लेकिन उनकी जरा आपको समझनी पड़ेगी उनकी जो ग्रुपिंग है वहाँ पे, जो फुट सोल्जर्स हैं उनकी इमदाद करते रहे हैं TTP भी, तो वो ऊपर तो जाहिर है कि उनको पता है कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन उन्होंने अच्छे रखने हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रोह मौजूद हैं, प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं जो वायलेशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा और उनको याद रखना पड़ेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, एहसान की बात की, अगर आज अमेरिका का लाए होने के बावजूद अफगान तालिबान को यहाँ पे पनाह ना मिलती तो आज इस हुकूमत में वो ना होते, और उसके लिए हमने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है, तो इस बात का उन्हें एहसान मंद रहना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा नवीद भाई साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा अभी मजीद हम किसी ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं आने वाले दिनों में? नहीं देखिए, ऑपरेशन तो हो रहे होते हैं, अब अगर हमें ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन करने पड़े तो वो भी होंगे, उसका अंदिया दिया है, यहाँ पे तो ऑपरेशन हो रहे हैं रोज़ की बुनियाद पे। आज ही आपने देखा होगा दो खबरें हैं यहाँ पे, जो बलूचिस्तान में 6 शहीद हुए हैं धमाके में, UC के चेयरमैन भी, और दूसरा जो मूसा खेल में फायरिंग में 2 लेविस वाले शहीद हुए हैं, ये एक ऑन गोइंग वॉर है जो चल रही है। वैसे नवीद अली साहब, आप क्या समझते हैं, जब से तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई है उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, आप समझते हैं कि जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उसकी मुकम्मल सपोर्ट तआवुन हासिल है दहशतगर्दों को, उन्हीं की ईमा पर यह सब चीज़ें हो रही हैं, या आप समझते हैं कि जिसका आपने भी जिक्र किया इनके अंदर ग्रुपिंग इतनी है, हकानी ग्रुप अलग से है, फिर दूसरे छोटे मोटे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि वो ये सब करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है अफगान गवर्नमेंट की आशीर्वाद इनको हासिल है? जी बिल्कुल, एक हद तक है। देखिए सबसे पहला इकदाम उनका क्या था, 15 अगस्त 2021 में वो पावर में आए, आते ही उन्होंने जेलों के दरवाजे खोल दिए, हजारों की तादाद में ये पकड़े हुए थे TTP और दाइश, ये रिहा हो गए, कोई उन्होंने शेयर नहीं किया हमारे साथ कि किन लोगों को रिहा किया है, और वो वहाँ बैठे हुए हैं राइट अंडर देयर नोज। थोड़े से अभी थोड़ा सा उनको पीछे हटाने की कोशिश की, जो उनके प्रोविंसेस पाकिस्तान के साथ हैं कुनर और नंगरहार से पीछे करने की, लेकिन अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, वरना ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह वो सर्वाइव कर सकें वहाँ पर।